भारतीय खुफिया विभाग का बड़ा खुलासा, रक्षक के बीच में भक्षक। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस में घुस चुके हैं देश के गद्दार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडियन न्यूज, चलिए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही सेना के जवानों में कई सारे देश के गद्दारों के छुपे होने की खबरें निकल के सामने आ रही हैं, वैसे ही अब भारत की खुफिया विभाग ने भारतीय सेना को आगाह किया है कि सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस में भी कई सारे आतंकवादियों का हित चाहने वाले छुपे हुए हैं, जो कि चोरी छुपे आतंकवादियों की मदद किया करते हैं। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले एक खबर निकल के सामने आई थी, जहां पर अनंतनाग से जम्मू कश्मीर पुलिस का एक आला अधिकारी धर दबोचा गया था, जिसका नाम था इस्फाक मलिक, और इसने कई बार आतंकवादियों को पाकिस्तान से हथियार पहुंचाने में मदद की है। इसके साथ साथ आतंकवादियों को छुपने के लिए कई सारे ठिकाने बताए हैं और लगातार आतंकवादियों के संपर्क में बना रहा। फिर बाद में जैसे ही भारतीय खुफिया विभाग के हत्थे यह चढ़ा, इसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। इसके बाद से फिर एक बीएसएफ का जवान भी इसी केस के अंतर्गत भारतीय जांच एजेंसियों के द्वारा धर दबोचा गया। तो इसके बाद अब भारतीय खुफिया विभाग बिल्कुल हाई अलर्ट पर चल रहा है, और भारतीय खुफिया विभाग के हिसाब से माने तो भारतीय सेना इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, उसमें कई सारे आतंकियों का हित चाहने वाले देश के गद्दार छुप कर बैठे हुए हैं, जो कि देश के सामने तो देशभक्ति का चोला ओढ़े रहते हैं, परंतु पर्दे के पीछे आतंकवादियों को मदद करते हैं। साथ ही आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के साथ साथ सेना की खुफिया जानकारी और जो सेना आतंकियों से निपटने का खुफिया प्लान भी बताती है, वह भी आतंकवादियों के साथ शेयर कर देते हैं, जिससे आतंकवादी पहले ही सतर्क हो जाते हैं और फिर भारतीय सेना को आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, भारतीय खुफिया विभाग इन भारत के विभीषणों के ऊपर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, और कई सारे ऐसे संदिग्ध पुलिस वाले और भारतीय सेना के जवानों के ऊपर लगातार नजर रखी जा रही है, और जल्द ही भारत के इन विभीषणों को धर दबोचा जाएगा। बाकी आप सभी किस टॉपिक पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।